जा रहे हैं टू व्हीलर की राइड लेने। मैं तो एक जमाने के बाद बैठूंगी इसमें। आपको कितना टाइम हो गया चलाए हुए, भूले तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं, पता लगेगा जाके। यहाँ पे इतनी शांति है, एकदम ट्रैफिक नहीं है, खाली रास्ते। और पता नहीं मैं तो कितने सालों बाद बैठ रही हूँ ऑटो, इसमें टू व्हीलर में। आपको कैसा लग रहा है चलाने में इतने सालों बाद? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इस टाइप के घर हैं। अभी हम अपने होटल से करीब 5-6 किलोमीटर दूर आ गए हैं। हाँ, गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं बस। इसके लिए भी गट्स चाहिए भैया, अननोन उसमें। अच्छा, यहाँ से पेट्रोल भरवाया है ये हमने सुबह 9 बजे तक के लिए ली है स्कूटी। अच्छा, 2 दिन के लिए ली है। बट ऐसा अननोन उसमें ना टू व्हीलर चलाना ज़्यादा ऐसा लगता है, रास्ते नहीं पता होते ना, बड़ा अजीब लग रहा है। ये भी गट्स है भैया, देखते देखते चलाना। विवांता फुल नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ऐसे। अच्छा लगता है ना ऐसे उसमें ऑटो में, ये टू व्हीलर में, मुँह में ऑटो ही बैठा हुआ है। ग्रीनरी तो बहुत है। ये वाला वेदर सही है अभी गोवा आने के लिए ना। बट हमारा होटल मार्केट से काफी दूर है, आसपास वहां पे कुछ नहीं है। यहाँ पे काफी बाइक्स वगैरह खड़ी है, कुछ होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बीच है। कौन सा बीच है ये पता नहीं है, पानाजी। हाँ, हमको जाना है पानाजी, ये सीधा है। अच्छा ठीक है। कल आएंगे यहाँ पे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा अभी तक का। सिटी एक्सप्लोर करना है तो टू व्हीलर से बेस्ट कुछ नहीं है। फाइनली हम यहाँ के मार्केट पहुँच गए हैं। चार्जर की कॉर्ड मिल जानी चाहिए। दोनों अच्छे वाले हैं, सब पॉजिटिव है। जरा एक बारी
सिर्फ इनके लगा देगा। होटल वापस जा रहे हैं, थोड़ा सा भटक गए। कॉर्ड मिल गई है फाइनली, लगा के देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक पास के बीच में, माइक का एक्सपीरियंस लेती हूँ। यहाँ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बीच है, तो आज हम उसी पे ही जा रहे हैं। अंधेरा भी होने वाला है अभी, तो ये यहाँ पे हम बीच में जा रहे हैं। इतना सा रास्ता है यहाँ से चलने का। बीच में आते ही इतनी गंदी स्मेल आ रही है, मास्क का भी अच्छा यूज़ लग रहा है, एक और फ़ायदा। वाह, बहुत प्यारा लग रहा है, सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर व्यू है। सन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, मैंने तो पहली बार करा है ऐसा एक्सपीरियंस। अच्छा। वेडिंग शूट चल रहा है। हम लोग पानी से काफ़ी दूर हैं, हम लोग अपना नीचे इधर आए हैं। आज हमने नई नई चप्पल पहनी है और अभी हमने डिसाइड करा है कि हम आज पानी में नहीं जा रहे, हम दूर से ही दर्शन कर रहे हैं आज। वो है क्या मिनी का होटल? वो सामने मिनी का होटल है और इसके पीछे हमारा है। बहुत सुंदर लग रहा है सन, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नीचे समुद्र के अंदर जा रहा है। कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, मैं जूम इन करके कोशिश करती हूँ। देखिए इनकी फोटोग्राफी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग होगी, जैसे कोई पेंटर बनाता है ना पेंटिंग। वो सामने वाला कौन सा इलाका है? वो सामने क्या पता, मुझे जानने की नहीं हो रही अभी। ऐसी सन बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। एक बोट लेके चलते हैं। फुटबॉल का मैच, सन एकदम चले गया नीचे। अंधेरा हो रहा है, वो सामने उसमें लाइट्स जलने लग गई। तो भी वापस जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रही बिल्कुल भी स्मेल वगैरह, यहाँ पे अच्छा है। मैच देखने रुक गए। ये देखो ये बोट कैसे समुद्र तक लेके जाने के लिए कैसे जुगाड़ करा है, इनके ऊपर से ऐसे करके जाएगी वो समुद्र तक। वापस जा रहे हैं अभी,
पहुंच चुके हैं अपने रूम में, अब है टी टाइम और टाइम हो गया है 7:15। ये था हमारा गोवा में पहला दिन, अच्छा लगा, काफ़ी नए नए एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे टू व्हीलर की राइड और सनसेट बीच पे, बहुत प्यारा लगा। तो देखते हैं फिर कल थोड़ी सी और सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और वही साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, योर सपोर्ट।